आज मैं आप लोगों के साथ इस नारियल से एक बहुत ही आसान एंड डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप एक बार खाने के बाद इसके फैन हो जाएंगे और हमेशा इसे खाना चाहेंगे। ये मुंह में घुल जाने वाला डेजर्ट काफी आसान है बनाना और मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक नारियल लिया है, जिसका पानी मैंने निकाल लिया और उसे तोड़ लिया है। अब इसे हम इसके सेल से बाहर निकाल लेंगे। तो नाइफ की मदद से हल्का हल्का सा कुछ इस तरीके से इसके किनारों को अलग करें। सावधानी से ये स्टेप करें। जब हल्का सा किनारा अलग हो जाए तो इस तरीके से पकड़कर सेल को अलग कर लें। इसी तरीके से बाकी नारियल को भी सेल से बाहर निकाल लें। इसके बाद इसका जो पीछे ब्राउन वाला हिस्सा है उसे नाइफ की मदद से हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैंने बाकी सारे नारियल का निकाल लिया है। अब जो ये छिलका बच गया है इसे फेंके नहीं। इस छिलके का यूज आप चटनी बनाने में कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो मैंने ये नारियल को छील के रखा था इसे अब छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। उसके बाद एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें कटे हुए नारियल को डाल देंगे और पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। अब इसमें जिस कटोरे से नारियल लिया था उतना ही पानी डालें और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लें। तो यहाँ पे मैंने इसे बढ़िया से पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। अब एक बोल लेंगे, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर को रखेंगे और पिसा हुआ नारियल डाल देंगे। अच्छे से इसे छान लेना है। जितना भी इसके अंदर जो कोकोनट मिल्क है उसे हमें निकाल लेना है अच्छे से। आप डायरेक्टली कोकोनट मिल्क से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। कोकोनट मिल्क आसानी से मार्केट में मिल जाता है, बट ताजे कोकोनट मिल्क की तो बात ही अलग है। ये जो नारियल का बुरादा ऊपर बच गया है इसे आप डेसिकेटेड कोकोनट बना सकते हैं या फिर मिठाई बनाने में यूज कर सकते हैं। तो इसे फेंके नहीं। तो यहाँ पे हमारा कोकोनट मिल्क रेडी है, इसे अभी साइड पे रखेंगे। नेक्स्ट, एक बोल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लावर और साथ ही जो हमने तैयार किया है कोकोनट मिल्क उसमें से 1/4 कप मिल्क निकाल लेंगे और कॉर्नफ्लावर में ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। तो इसे अभी साइड पे रखेंगे। नेक्स्ट, एक पैन के अंदर जो हमने कोकोनट मिल्क बनाया है उसे ऐड कर देंगे, साथ ही 1/3 कप चीनी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल इसमें आ जाएगा हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसमें तैयार किया हुआ कॉर्नफ्लावर का स्लरी डाल देंगे। स्लरी डालते वक्त फ्लेम एकदम लो पे होना चाहिए और इसे कंटिन्यूस स्टर करते रहें, नहीं तो स्लरी डालने के बाद तुरंत में इसमें गुठलियाँ पड़ने लगती हैं। तो ये स्टेप आप बड़े ही ध्यान से करें। 4 से 5 मिनट इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूस स्टर करते हुए पकाएं। ध्यान रखें एक बार भी स्टर करना बंद नहीं करना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से सिल्की स्मूथ सा हो जाएगा। इसके बाद फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इस कोकोनट पुडिंग को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास का बाउल लिया है, जिसे मैं अच्छी तरीके से घी से ग्रीस कर लूँगी। आप चाहें तो केक टिन मोल्ड भी ले सकते हैं या फिर घर के किसी कटोरे में भी इसे जमा सकते हैं। तो इसमें अब जो हमारा तैयार किया हुआ मिश्रण है उसे डाल देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम रिबन जैसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है इसकी। सारा मिश्रण को डालने के बाद ये अभी थोड़ा सा गर्म है, इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर आने देंगे। उसके बाद फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। तो 2 घंटे हो गए हैं, ये हमारा अच्छी तरीके सेट हो गया है। इसे टच करने के बाद ये हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। घी से ग्रीस करने की वजह से ये आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। तो इसे डीमोल्ड करने के बाद थोड़ा सा रोज पेटल्स, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आलमंड से डेकोरेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखने में। जितना ये देखने में सुंदर है उतना ही ये खाने में टेस्टी है। चलिए इसे कट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी ये बना है, बिल्कुल जेली की तरह दिख रहा है। एकदम से मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। मुंह में घुल जाने वाला ये मिठाई बच्चे बड़े बूढ़े सभी को काफी पसंद आएगी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।